प्रभास अन्ना ट्रेलर इरगदीशि मतलब एट्ला दीसावे अट्ला दीसाव ट्रेलर नु एंट्रेंस भी अच्छा है प्रभास उनका, तो एक्साइटेड हूँ कि सैफ अली खान का मेन उनके लिए ही एक्साइटेड हूँ। और जो VFX वगैरह बोलते ना बाहुबली का रिकॉर्ड प्रभास ही तोड़ेगा। तो ये जो हम नए रामायण की तरह से देख सकते हैं, मतलब नए कैरेक्टर में देख सकते हैं रामायण को, एक नए अंदाज से देख सकते हैं इसको। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। सर फाइनली आपने आदि पुरुष का टीजर देख लिया, कैसे लगा टीजर, क्या कहना रहेगा टीजर के बारे में? अल्टीमेटली फर्स्ट आज ही देखा मैंने, जैसे ही टीज़र रिलीज हुआ आज देखा मैंने, और जितना दर टीज़र जो से इन्होंने अपलोड किया है तब से मैं अभी तो सैफ अली खान का फ़ैन बन गया हूँ। क्या बात है। और प्रभास तो अपना है साउथ से, तो उसका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब से इसका सैफ अली खान का देखा हूँ बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। क्या बात है। जिस तरीके से विजुअल्स दिखाए गए इसमें, एक रामायण के ऊपर अपनी एक मिथो हमारी जो हिस्ट्री हो चुकी है उसके ऊपर ये कहानी बैसे, क्या कहना रहेगा, कितने एक्साइटेड है आप मूवी देखने के लिए? राइट, जो मैथोलॉजिकल इन्होंने दिखाया है उस बेस पे तो फिलहाल अच्छा दिखाया है उन्होंने, एंट्रेंस भी अच्छा है प्रभास उनका, तो एक्साइटेड हूँ कि सैफ अली खान का मेन उनके लिए ही एक्साइटेड हूँ। और जो VFX वगैरह जो किया है ना, अभी फिलहाल ट्रेलर है उसके लिए कुछ बता नहीं सकता, जब पूरा ये टीज़र ट्रेलर लॉन्च करेंगे, टीज़र तो देखा हूँ, टीज़र देख के ही ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा कि VFX कितना यूज़ किया है उन्होंने और कितना और उभरेगा, वो जो ट्रेलर है वो कितना उभरेगा और मूवी कितना चलेगा बाद में पता चलेगा। लास्ट सवाल है, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 4 दूंगा अभी तो फिलहाल, बाद में बता दूंगा। थैंक यू सो मच। फाइनली टीजर रिलीज हो चुका आदि पुरुष का, कैसा लगा टीजर, क्या कह रहेगा आपका? टीजर है ना पवन जी, सुपर है। क्या बात है। हाँ सुपर, बोलते ना बाहुबली का रिकॉर्ड प्रभास ही तोड़ेगा। और इसमें से प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, सैफ अली खान, विक्रम वेदा का बुखार उतरा नहीं, आदि पुरुष का बुखार चढ़ा दिया सैफ अली खान ने। क्या बात है, इतना अच्छा लगा मेरे को, स्पेशली एनिमेशन, बाद में थोड़ा सा एनिमेशन डिसअपॉइंट किया मैं बताता हूँ लास्ट में, लेकिन टीजर एक्सलेंट। क्या बात है। जिस तरीके से डायलॉग बाजी इसमें चल रही है, प्रभास के श्रीराम के अवतार में जो डायलॉग दिए 2-3, कितने धमाकेदार आपको लगे? डायलॉग है ना पैसा वसूल, बोलते ना टीजर में भले हम पैसा नहीं डाले MB वसूल हो गया। प्रभास का एक डायलॉग है ना, वो एक अच्छा लगा। हाँ, दस पैर को कुचलने के लिए, दस सर को कुचलने के लिए सर, बाद में कीर्ति सेन है ना, वो मेरा क्रश है यार, बहुत क्यूट लग रही है हीरोइन इसमें। और दूसरा क्या था, एनिमेशन एक नंबर। VFX की बात करें, VFX कितना दमदार लग रहा है, खास करिए प्रभास की एंट्री आपको कितनी दमदार लगी, जो पानी में उनकी एंट्री लगी, प्रभास का एंट्री डिफरेंट एंट्री दे दिया, यंग रेबल स्टार, हमेशा गाड़ी उड़ी तोड़ते आने वाला, इस बार साइलेंटली आ रहा है, साइलेंट वायलेंट कितना रहेगा, जितना साइलेंट डेंजर रहता है ना उतना वायलेंट भी डेंजर रहता है। हाँ तो एंट्री भी अच्छा था, सैफ अली खान सर का भी एंट्री अच्छा था, बाद में सैफ अली खान का जो दस सर वाला अवतार, रावण वाला अवतार, एक नंबर। क्या बात है। क्या लगता है पूरी मूवी टीजर देखने के बाद, मूवी कितनी धमाकेदार होगी, एक्साइटमेंट लेवल क्या आपकी? मेरा एक्साइटमेंट ना, मेरा तो पता नहीं, हमारे अभी तक तो फेस्टिवल चालू हो गया रहेगा आंध्रा में, आंध्रा तेलंगाना में फेस्टिवल चालू। अब मेरा क्या कहना है कि टीजर मेरे को बहुत पसंद आया, और दूसरा ना एक है और बात था मैं शायद भूल गया, हाँ यंग रेबल स्टार, रेबल स्टार ही हमेशा के लिए। क्या बात है। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आपको आपके लैंग्वेज में कुछ तो बोलना है, तो हो जाए कुछ भी? हाँ प्रभास अन्ना ट्रेलर इरेगा दीसिंडो, मतलब एट्ला दीसिनावे अट्ला दीसिनावे ट्रेलर नु सुपर ट्रेलर टीजर। क्या बात है। आई लव यू, बस माफ कीजिएगा मेरे को समझा नहीं, पर मैं आपकी फीलिंग समझ गया हूँ। जाते थे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.5। लास्ट में मैं बताने वाला था एनिमेशन का कुछ गड़बड़, जब सैफ अली खान का 10 मुंडियाँ निकलती है उसमें एनिमेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा। दिखने में आता है कि वो पूरा एनिमेशन किया हुआ है। हाँ बस यही मेरा राय था।
थैंक यू सो मच ब्रो। कैसा लगा टीजर? बहुत बेस्ट यार। क्या अच्छा लगा टीजर में सबसे ज़्यादा? टीजर में जो हीरो का रोल है बहुत बेस्ट हुआ, बहुत अच्छी एक्टिंग, और मतलब अच्छा हुआ। फिल्म चलने वाली है, क्या बात है, बेस्ट आएगी फिल्म। क्या बात है, जिस तरीके से विजुअल इफेक्ट दिखाए गए, सीन्स दिखाए गए, ग्राफिक्स दिखाए गए, आपको किसे पसंद आया? ये फोटोग्राफी एक नंबर की गई है सर, एक नंबर मूवी होगी। क्या बात, देखने में जो प्रभास है उनको हमने बाहुबली में देखा था, उनका किस खास तरीके से किरदार लग रहा है? किरदार उनका बेस्ट लगा मुझे भाई, बढ़िया लगेगा, चलने वाला होगा। क्या लगता है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ जाएगी? बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्या बात है, 99% उम्मीद है। क्या बात, मतलब एक तक का कहीं ना कहीं अंदर कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट सवाल लगे तो 5 में से कितने स्टार देंगे? हैं, 5 में से रेटिंग कितने देंगे, गुण कितने देंगे? 5 कम से कम 5 में से आने चाहिए भाई, 4। आपने देखा कैसा लगा टीजर? बहुत मस्त है सर, इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके जो वैसे एक्शन है बहुत हार्ड है, काम किया उसके बहुत बढ़िया किया है, और मुझे लग रहा ना ये हॉलीवुड टाइप का है ना, इसमें कुछ नया देखने को मिलेगी पब्लिक को, तो वेट करेंगे हम लोग और वेट रहेगा इस फिल्म का। आज टीजर देखा हूँ, दिल खुश हो गया, नेक्स्ट टाइम में टेलर भी आएगा वो भी देखूँगा, उसके बाद फिल्म भी देखूँगा। हाँ सर, जिस तरीके से प्रभास यानी कि हमारे बाहुबली के स्टार, जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन लग रहा है, उनका लुक लग रहा है एज ए राम श्री राम जी, तो वो आपको जो लग रहा है बहुत हार्ड लग रहा है सर, क्योंकि क्या होता है ना हर चीज़ अलग टाइप की होती है ना, हिस्टोरिकल, तो मज़ा आता है। क्या बात, क्योंकि हम लोग तो कुछ डेली बेस पे तो देखते हैं ना फिल्म, कुछ नया करे इंसान तो क्या होता है ना एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, तो इसमें कुछ नया दिख रहा है। और प्रभास की बात तो अलग है ना सर, वो तो अलग लेवल के एक। जिस तरीके से इसका बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जो विजुअल दिखाए, ग्राफिक्स दिखाए गए, वो आपको कितने हद तक बहुत हार्ड लग रहा है सर? इसीलिए तो बोल रहा ना, सब कुछ इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगी पब्लिक को, और मैं जान रहा हूँ कि पब्लिक इसको देखना पसंद करेगी, थिएटर फुल रहेगी। क्या बात है, क्या लगता है आपको बाहुबली का रिकॉर्ड 2000 का बन गया था, क्या उसका रिकॉर्ड तोड़वाएगी पिक्चर? ऑलमोस्ट तोड़ेगी, ये नहीं कह सकता कि उसके बाद अलग चीज़ है, इसमें भी कुछ अलग चीज़ दिखाया, पर कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती है। क्या बात है, लास्ट सवाल, कैसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? मैं तो 5 में से 5 दूंगा पूरा सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजे ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि देखो मार्केट में जो मूवी का क्रेज जो चल रहे थे वो काफ़ी कम चल रहा था, तो पब्लिक क्या है कि थिएटर आने से मना कर रही थी, और कुछ विरोध भी चल रहे थे लोगों में कि भाई हमारे धर्म के खिलाफ अगर आप गलत सीन दिखाओगे या मूवी में गलत कुछ सीन होगा तो हम नहीं देखेंगे, विरोध चल रहा था। लेकिन क्या है, जो मूवी के जो चाहने वाले लोग हैं वो तो डेफिनेटली मूवी देखेंगे। जैसे कि मुझे मूवी बचपन से ही बहुत पसंद है, तो मैं फिल्मों का बहुत क्रेज़ हूँ और फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फिल्में देखता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी डिसाइड करना होता कि मूवी कौन सी देखें कौन सी ना देखें। अब जैसे मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है, तो मैं अक्षय कुमार की मूवी डेफिनेटली देखता हूँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर गलत लगता है तो मैं गलत ही बोलूँगा, अच्छी लगेगी तो तारीफ डेफिनेटली अच्छा करूँगा। अभी जैसे ये मैंने जो डीजर दिखा है आदि पुरुष का, तो ये मूवी जो है जिसमें सैफ अली खान जो एक्टर दिख रहे हैं, इसमें हमारे धर्म से काफ़ी जुड़ा हुआ लग रहा है। जैसे कि रामायण जो हमने बहुत पुराने ज़माने में देखा था, तो इस ये जो अभी रिलीज होने वाली 2022 में होने वाली है ना आई थिंक शो, तो ये जो हम नए रामायण के तरह से देख सकते हैं, मतलब नए कैरेक्टर में देख सकते हैं रामायण को, एक नए अंदाज से देख सकते हैं इसको, तो ये बहुत अच्छा अनुभव होगा लोगों को। इसमें बच्चे भी देख सकते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि कार्टून कुछ एनिमेशन ज़्यादा भी किए हुए हैं, तो इसमें बच्चे को भी मज़ा आएगा देखने में, और सीन भी अच्छे हैं, और इसमें हनुमान जी का भी कुछ कैरेक्टर्स है, तो भाई राम और हनुमान है जहाँ, तो दोनों का मज़ा ही कुछ अलग होगा। लंका तो जलनी, हाँ मतलब लंका तो जलनी है, जब राम जी अगर प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो हनुमान जी तो डेफिनेटली लंका गया वो कहीं भी पहुँच सकते हैं, सात समुंदर पार भी करके पहुँच सकते हैं, और अपने राम को वापस लाएंगे, और अपनी सीता मैया के चरणों में वो अपना सर झुका कर ही आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों से कि भाई, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये बिजनेस है, और बिजनेस भी है लोगों का, इससे रोजी रोटी चलती है, तो प्लीज़ विरोध ना करें, और जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं मूवी, अगर अच्छी लगे तो देखो, अगर डीजर पसंद आए तो आप लोग थिएटर डेफिनेटली जाओ, और अच्छी लगे तो तारीफ करो, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं भाई, वो कोशिश तो करेंगे ना अच्छी मूवी बनाने का, हमारे हिसाब से जैसे हम पब्लिक है हमें क्या चाहिए, उन्हें भी पता नहीं होता है, कहानियाँ लाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं आर्टिस्ट, हम जैसे स्ट्रगलर लोग भी जो हैं भाई एक्टिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं, तो अगर ये काम बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या बेरोजगार रह जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि फिर से इसको आगे बढ़ाना है, और ये प्रॉब्लम कब से हुई है मुझे पता है, क्योंकि फिल्म देखने का क्रेज सबको था, ये जो कोरोना काल जो आया उसके बाद लोग थिएटर जाने का आदत ही भूल गए,
क्योंकि घर से जब निकलना ही नहीं था, अब पैसे नहीं थे, काम नहीं था, तो लोग टाइम पास कैसे करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा किसी के पास था नहीं भाई। तो फिल्म देखने का क्रेज इसके वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया, और जब फिल्में जब कोरोना ख़त्म हुई और जब फिल्में आने लगी तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया मूवीज़, अरे नहीं अभी ये सब मूवी कौन देखेगा, चलो फिर ये खाएंगे या वो करेंगे, बच्चे का पढ़ाई व पैसा बाकी है, ये बाकी है। तो जो मिडिल क्लास के लोग फैमिली जो है जो हफ्ते में संडे या सैटरडे मूवी देखने आते हैं, तो उन लोग फिल्म छोड़ के मतलब घरेलू जो है उसमें ध्यान देने लग गए, लेकिन इंटरेस्ट उनका है। और जैसे ही पैसा आएगा, अच्छी मूवी जब आएगी, जो मार्केट में लोग ऐसा बम जैसा ब्लास्ट जब करेंगे ना कि हाँ भाई मूवी अच्छी है, पब्लिक रिव्यूज़ देखेंगे, तो डेफिनेटली जो है थिएटर में पब्लिक आएगी। और ये आदि पुरुष जो मूवी है भाई, ये तो एक संस्कारी मूवी लग रही है मुझे तो, जैसे कि एक रामायण एक भगवान का स्टोरी है इसमें, तो मतलब ये इसमें सभी धर्म के लोग देख सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म के विवाद नहीं करना चाहिए भाई, धर्म कोई भी हो सबको हम लोग मानते ही है, और फिल्म धर्म से नहीं बिलीव करता है, ये एक कैरेक्टर होता है कि जो भी प्ले करता है आर्टिस्ट लोग, तो ये बड़ी मेहनत से करते हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा आप लोग से कि आप लोग मूवी ज़रूर से ज़रूर देखें। और क्या बात है, जिस तरीके से प्रभास जिनको हमने बाहुबली मूवी में देखा था, क्या लगता है उनका जो एक नया किरदार श्री राम जी के अवतार में वो पधारे, कितना आपको बेखूबी से पसंद आया? मतलब प्रभास का तो कुछ बोलना ही नहीं है भाई, क्योंकि वो साउथ के जो है सुपरस्टार हीरो है, और वो तो बाहुबली से जब हिट हुए थे तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, जैसे मोदी जी को जानता है वैसे उनको भी जानने लग गया भाई। तो ये तो मुझे बहुत मजा आता कि प्रभास की मूवी मतलब देखना ही है, अब अच्छी हो या बुरी वो पता नहीं, लेकिन देखना तो है, एक बार देखूंगा कि भाई ये जो लास्ट मूवी आ रही है उनकी कैसी होगी, क्योंकि प्रभास का तो फैन भी हूँ और काफ़ी लोगों में भी फैन है उनके, मतलब साउथ छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है पब्लिक उनका बहुत बड़ा फैन हो गया है, तो मूवी तो डेफिनेटली उनका देखेंगे भाई, क्योंकि प्रभास का पर्सनालिटी हाइट और उनका जो काम करने का अंदाज है वो अलग ही कुछ करते हैं, क्या बात, और फिल्म भी हिट देते हैं भाई, 400-500 करोड़ रुपए उनका जो है बजट होता है मूवी का, तो लोगों देखेंगे जरूर। क्या बात, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे डीजर को? डीजर को मैं 3.5 दे सकता हूँ अभी फिलहाल, अगर मूवी अच्छी रही तो मैं 4 का 4 भी दे दूंगा। क्या बात, मैं मूवी जरूर देखूंगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।